केदला झारखंड परियोजना स्थित विस्थापित प्रभावित ग्रामीणों द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं मांग पत्र सौंपा। रामगढ़ जिले के केदला झारखंड परियोजना स्थित रामगढ़ एवं बोकारो जिला के विस्थापित प्रभावित ग्रामीणों द्वारा झारखंड केदला सेल सेंटर में महाविरोध प्रदर्शन किया गया। इस महाप्रदर्शन में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद खीरू महतो उपस्थित हुए, जिनके नेतृत्व में ग्रामीणों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी विस्थापित व ग्रामीणों ने प्रबंधन का जमकर विरोध किया और साथ दिए गए मांग पत्र पर 15 दिनों के समाधान की बात कही। अगर इसी बीच समाधान नहीं हुआ तो यह आंदोलन और भी विकराल रूप लेगा और प्रोडक्शन कार्य को पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। बताते चले कि पचमो ग्राम, लयो ग्राम, गोसी ग्राम, तीतर मरवा ग्राम, ठोडाटाण ग्राम, झुमरा ग्राम, पूर्णा पानी ग्राम, दनिया तिलैया एवं अन्य सभी भू विस्थापित एवं झारखंड परियोजना से प्रभावित दोनों जिलों के हजारों पुरुष महिलाओं द्वारा प्रदर्शन धरना के माध्यम से निम्नलिखित मांग पत्र दे रहे हैं। इस मांग पत्र पर 15 दिनों के अंदर यदि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बाध्य होकर ग्रामीण अपने अपने जमीन पर कोयला खनन का कार्य तथा परिवहन का कार्य ठप कर देंगे। उसकी क्षति की जवाबदेही प्रबंधन पर होगी। खबर 365 न्यूज के लिए रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान के साथ मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग बैठे रहे पीओ साहब आए और पीओ साहब आएंगे अपना मांग पत्र ले जाएंगे और उसके बाद फिर जब बैठक होगी तो उसमें सभी गांव के प्रतिनिधि रहेगा, सब लोग बैठेंगे। बड़ा हॉल में होगा, यहाँ हो चाहे जहाँ भी हो बैठक होगी। और यहाँ कोयला सेल को लेकर एक धरना प्रदर्शन हुआ, लोगों की जमीन चली गई है, 5% का इम्प्लॉयमेंट और नौकरी बहुत लोगों को नहीं मिला है, कंपनसेशन नहीं मिला, जिससे चले त्राही मामले और वही भूख विस्थापित लोग इस आंदोलन में शामिल है, प्रभावित लोग शामिल हैं। इनको रोजी रोजगार यहाँ से मिल रहा था और अभी यहाँ से 2 महीना से बंद है, इसी लेकर है सो यह है सो लोग जन समूह है, सो लोग है तो पूरे क्षेत्र से कम 5 पंचायत के लोग आए, झुमरा से लेकर पूरा पचमो पंचायत है, लयो पंचायत दक्षिणी उत्तरी और फिर ऐसे इचाकी पंचायत भी इसमें शामिल है, यहाँ तक कि दानिया से भी लोग आए हैं इस आंदोलन में। तो सभी जगह के लोग आए हुए हैं अपने हक और हकूक के अधिकार से लड़ने के लिए और आज सब संकल्प लेकर जा रहे हैं कि हम लोगों को जो डिमांड दे रहे हैं, बहुत दिन हुआ, बहुत दिन लड़ा और मिला नहीं, अब अंतिम लड़ाई होगी और इस लड़ाई में प्रबंधन को ऐसा देना पड़ेगा, बिना दिए बिना लिए हम लोग नहीं आंदोलन कर सकते। युवा अपने अपने काम में लगे हुए हैं, इस वैकल्पिक रोजगार को शुरू करने के पीछे एक ही मकसद था कि जो भी हमारे इस क्षेत्र के प्रभावित और विस्थापित लोग हैं उनको कुछ अपना बैक सपोर्ट मिले, जिससे वो अपने बाल बच्चों को या कहीं बाहर भेज के पढ़ा सके या एक वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था हो सके, जिससे किसी का घर परिवार चल सके, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा कृषि क्षेत्र है और यहाँ बीच में हमारा एक ही माइंस है जिसके अगल बगल लगभग 5 पंचायत इस पर निर्भर है। तो खेती बाड़ी करके आदमी अकेले जीवन नहीं यापन कर सकता है, साथ में एक वैकल्पिक रोजगार की तरह ये सेल काम करता था कि जैसे अन्य जरूरतें पड़ गई या हम चावल उगाए, धान उगाए, जो भी उगाए उसके बाद वैकल्पिक के रूप में और कुछ चीजों को खरीदना पड़ता था। तो ये सेल के होने के कारण लोगों को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हम क्षेत्र के लोग बेरोजगार हैं, लेकिन सीसीएल प्रबंधन एक षड्यंत्र के माध्यम से इन्होंने क्या किया है कि जो क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता था वैकल्पिक रोजगार, उस रोजगार को छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में इस कोयला को बेचने का काम कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र के लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत भरोसा करके सीसीएल को जमीन दिया अपना और वर्षों से मुआवजा और नौकरी भी नहीं मिली है, और जो वैकल्पिक रोजगार का व्यवस्था है उसके कारण ही हम लोग आज तक यहाँ माइंस को चलने दिए। अगर उस वैकल्पिक रोजगार को भी बंद कर देगा तो हम इस माइंस को चलने नहीं देंगे। एक भी अन्य सांसद को सवाल है, लेकर इनका सम्मान है कोरोना पराजय के द्वारा किया जा रहा है। 365 दिन आपके साथ।
अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।